जय हिंद वंदे मातरम। आज की अपनी वीडियो बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए है। सब्जेक्ट है रक्षा अध्ययन या रक्षा राज्य की मिलिट्री साइंस या मिलिट्री स्टडीज। बीएससी थर्ड ईयर वालों की ये वीडियो पेपर थर्ड वालों के पेपर थर्ड है। ये पिछली वीडियो हम लोगों ने युद्ध क्या है, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के कारण क्या हैं और तमाम बातों का जिक्र किया था, तमाम बातों के जानकारी हासिल की थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आज हम लोग एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका विषय है शीत युद्ध की विशेषता। पिछली वीडियो हम लोगों ने शीत युद्ध क्या है और उसकी परिभाषा मेजर श्यामलाल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में सुना था, देखा था, अध्ययन किया था। आज की वीडियो शीतकालीन युद्ध की विशेषता पर आधारित है। तो आइए देखते हैं कि शीतकालीन युद्ध की विशेषताएं क्या हैं। शीतकालीन युद्ध थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। शीत युद्ध हुआ था जिसमें बिना किसी अस्त्र शस्त्रों के युद्ध लड़ा जाता, जिसमें अफवाह प्रचार, मिथ्या प्रचार और मिथ्या अफवाह यानी कि झूठ का सहारा लेते हुए हम शत्रु के प्रति उसके नागरिकों में, सैनिकों में इतनी भयावह भय पैदा कर देते हैं कि वो युद्ध करने से पहले ही या हिंसात्मक युद्ध को कार्य रूप देने से पहले ही वो अपने आप को समर्पित कर दें, समर्पण कर दें हमारी सेना के समक्ष। तो आज हम जानते हैं, जानेंगे उससे आगे कि शीत युद्ध की विशेषता क्या होती है। तो पहला इसमें आता है शीत युद्ध दो महाशक्ति या दो शक्तियों का नहीं बल्कि दो सिद्धांतों का संघर्ष होता है। पहले हम लोग सारे बिंदु को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके समझ लेंगे। दूसरी चीज आती है शीत युद्ध वाक युद्ध है, इसमें प्रचार का अत्यधिक महत्व है। तीसरी चीज आती है शीत युद्ध बिना हथियारों का युद्ध है। चौथी चीज आती है शीत युद्ध गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक है। अगली चीज आती है शीत युद्ध को मस्तिष्क में युद्ध के विचारों का प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा जाता है। इसके बाद आखिरी बिंदु या आखिरी विषय वस्तु आती है या आखिरी बिंदु आता है शीत युद्ध में दो महाशक्तियों का व्यापक प्रचार, गुप्तचरी सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियां तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी शक्ति सुदृढ़ करने में लगी रहती है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अब विस्तार से जान लेते हैं। तो शीत युद्ध दो शक्तियों का नहीं बल्कि दो सिद्धांतों का संघर्ष है। पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है, जाना है कि शीत युद्ध में किसी भी प्रकार के अस्त्रों का, शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि शत्रु के नागरिक में या विपक्ष की जो नागरिक जो सेना है, विपक्षी सेना है, उसके नागरिकों में, उसके सैनिकों में ऐसी भयावह स्थिति, ऐसी भयानक स्थिति, भ्रम की स्थिति डाल दी जाती है कि वो अपने आप को समर्पित कर दे, अपने आप को बिना युद्ध के ही परास्त समझे। तो दो ये युद्ध जो होता है शीत युद्ध दो महाशक्तियों या दो शक्तियों का नहीं बल्कि दो सिद्धांतों का होता है। जो दो सिद्धांत होते हैं, एक शत्रु पक्ष का एक अपना, वह दोनों दोनों सिद्धांतों का संघर्ष होता है। दूसरी चीज आती है शीत युद्ध वाक युद्ध है, इसमें प्रचार का अत्यधिक महत्व है। अर्थात ये वाक युद्ध है यानी कि जो व्यक्ति, जो देश, जो सेना जितने ही चतुरता से, जितना ही चंचलता से, जितना ही वाकपटुता से, जितने ही अत्यधिक मात्रा में दुष्प्रचार कर ले जाएगा दूसरे यानी कि सामने वाले सेना के विरोध में कि हमारी सेना सर्वोपरि है, हमारे अस्त्र शस्त्र सर्वोपरि है, हमारे पास अस्त्र शस्त्र अत्यधिक मात्रा में, उसकी अपेक्षा हमारे शत्रु के पास कोई भी अत्याधुनिक या इस तरह से कोई हथियार या कोई मारक क्षमता वाली मिसाइल, अन्य कोई दूसरे अग्नेयास्त्र नहीं है, वो हमारी स्थिति में कहीं भी मजबूत शत्रु सेना नहीं बैठती है। तो जितना ज़्यादा अधिक मिथ्या प्रचार अत्यधिक कर पा जाएंगे, जितने ही चतुरता से, जितना ही वाकपटुता से हम अपने सैनिकों का मनोबल सुदृढ़ और सामने वाले यानी कि शत्रु सेना के सैनिकों का मनोबल
हतोत्साहित कर पाएंगे, उनके सैनिकों को हतोत्साहित कर पाएंगे, उतना ही अधिक मात्रा में जीत संभव होने की संभावना है। तीसरी चीज आती है, शीत युद्ध बिना हथियारों का युद्ध है। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, ये वाक युद्ध है, ये इसमें हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाना है। ये केवल मिथ्या प्रचार, दुष्प्रचार और इस प्रकार के क्रियाकलापों को करना है जिसमें हम बिना अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किए हुए शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करें। तो इसको हम कह सकते हैं कि बिना हथियारों का ये युद्ध है। चौथी चीज आती है, शीत युद्ध गर्म युद्ध से भी भयानक है। अर्थात गर्म युद्ध से तात्पर्य है जिसमें जनहानि होती है, धनहानि होती है, आर्थिक हानि होती है, और जिसमें हमारे और शत्रु सेना के सैनिक अत्यधिक मात्रा में या किसी भी मात्रा में हताहत होते हैं। तमाम प्रकार के वेपन्स का सहारा लिया जाता है, तमाम प्रकार के आयुधों का सहारा लिया जाता है, वो गर्म युद्ध होता है। तो उसमें क्या होता है, जनहानि भी होती है, धनहानि भी होती है। और इसमें क्या है, इसमें जनहानि धनहानि बेशक नहीं होती है, किंतु शत्रु के मन में ऐसा भय उत्पन्न कर दिया जाता है, वो मनोवैज्ञानिक तौर पर इतना कमजोर कर दिया जाता है कि उसके मन में हतोत्साहित हो जाता है, उसका प्रोत्साहन विलुप्त हो जाता है, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध गर्म युद्ध से भी अत्यधिक या अधिक भयानक है। पांचवी चीज आती है, शीत युद्ध को मस्तिष्क में युद्ध के विचारों का प्रसर देने वाला कहा जाता है। यानी कि शीत युद्ध जो है उसमें हम किसी प्रकार के हथियार का औजार का प्रयोग नहीं करते हैं, वो केवल मस्तिष्क में, यानी कि शत्रु सेना के मस्तिष्क में या अपने सेना के अपने नागरिकों के मस्तिष्क में ऐसा कूट रचित चाल चल के भर दिया जाता है दिलो दिमाग पर कि हम जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, मैं जो कर रहा हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है, हमारे पास जितने भी औजार हैं, हथियार हैं, अग्नियास्त्र हैं, वो सब शत्रु उसके सामने कहीं भी टिकता नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उसके मस्तिष्क में युद्ध से संबंधित जो भी विचार है वो ऐसा डाल दिया जाता है कि शत्रु सेना हमारी सेना विपक्ष के तौर पे अगर देखेंगे तो उनके विपक्षी के दिलो दिमाग में आ जाएगा कि हमारी शत्रु सेना हमसे ज़्यादा सक्षम है, अर्थात हम उससे युद्ध करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें पराजय का सामना करना पड़ेगा, हमारी जनहानि भी होगी, धनहानि भी होगी, इससे अच्छा है कि हम आत्मसमर्पण कर दें। इस प्रकार की जब भावना का उदय हो जाएगा उस व्यक्ति, उस सैनिक में, उस देश में, उस देश के कमांडर में, उस देश की सरकार में, तो वो अपने आप को आत्मसमर्पित कर देगा। तो इस प्रकार से शीत युद्ध को मस्तिष्क में युद्ध के विचारों का प्रसरय देने वाला युद्ध कहा जा सकता है। मस्तिष्क में उसके मन के हारे हार, मन के जीते जीते इसकी तरह के दुष्प्रचार कर दिया जाए कि शत्रु सेना या शत्रु पक्ष अपने आप को हमारी अपेक्षा कहीं भी टिकता हुआ नजर ना पाए, तो वो क्या है, मस्तिष्क का उसके प्रक्षालन कर देना, उसके मस्तिष्क में अपने प्रति ऐसा भय उत्पन्न कर देना। छठी चीज आती है, शीत युद्ध में दो महाशक्तियों का व्यापक प्रचार। जैसा कि इस प्रकार का युद्ध दो महाशक्तियों के द्वारा ही संभव होता है लड़ा जाना, कि वो व्यापक प्रचार कौन देश किस देश के बारे में, कौन सी सेना किस सेना के बारे में, कितना व्यापक मात्रा में, कितना प्रचुर मात्रा में, कितना अत्यधिक मात्रा में दुष्प्रचार कर पा जाती है, कितना गुप्तचरी सैनिक हस्तक्षेप कर पा जाते हैं, जो गुप्तचर है, जो गुप्तचरी सैनिक है, जो गुप्तचरी सेना है हमारी, वो कितना शत्रु सेना से गुप्त रूप से जानकारी हासिल कर ले रही है, और उस गुप्त जानकारी के आधार पर हम अपने आप को उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, सैनिक संधियां कर रहे हैं, प्रादेशिक संगठनों की स्थापना कर, दूसरे जो हमारे मित्र देश हैं उनसे सैनिक संधियां कर लें कि हमारे पर कोई अगर किसी देश का आक्रमण होता है या एक देश पर आक्रमण होता है तो हमारे देश पर भी आक्रमण माना जाएगा, इस तरह से भी करके क्या करते हैं, शत्रु की सेना को भय की स्थिति में ला देते हैं कि अगर उस देश पर हम आक्रमण करते हैं तो हमारे ऊपर भी फला देश आक्रमण कर सकता है, हमसे अपने व्यापारिक संबंध तोड़ सकता है, और भी तमाम तरह से वो हमको हानि पहुँचा सकता है। तो सैनिक संधियों के द्वारा भी और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, हर प्रदेश में जो
संगठन है, सैन्य संगठन, छोटे छोटे संगठन, प्रादेशिक संगठन बना के उसकी स्थापना करके अपनी शक्ति, वो अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से शीत युद्ध जो है दो महाशक्तियों का व्यापक प्रचार है। कितनी व्यापक मात्रा में हम दुष्प्रचार कर पा जाते हैं शत्रु सेना के पक्ष में, और कितनी उसकी गुप्तचरी, उसके गुप्त जानकारियों को हम हासिल करने में सफल होते हैं, कितनी हम अन्य देशों से, अन्य सैनिकों से, अन्य देश के सैनिकों से संधियां कर पा जाते हैं, कितने छोटे छोटे विभिन्न संगठन, प्रादेशिक संगठन को स्थापना करने में, स्थापित करने में सुदृढ़ होते हैं, ये है अब हमारे शीत युद्ध की विशेषताएं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि शीत युद्ध की ये जो विशेषताएं हैं, छह विशेषताएं, इसके आधार पर शत्रु सेना में इस तरह की भय की स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है, जिसके द्वारा शत्रु हर तरह से अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे, अपने आप को समर्पण की दृष्टि से देखने लगे कि हमें, हमारी सेना कहीं भी किसी भी तरह से विपक्ष की सेना के सामने नहीं ठहरती है, इसलिए हमें आत्मसमर्पण कर देना ही चाहिए। तो जब इस तरह की भावना का उदय उस सेना में हो जाता है तो आत्मसमर्पण के लिए विवश हो जाता है। तो शीत युद्ध में ये होता है कि शीत युद्ध के द्वारा कौन सी महाशक्ति, कौन सा ऐसा देश जो अत्यधिक मात्रा में झूठ से झूठ, अफवाह से बड़ी अफवाह ऐसा फैला दे कि विजय वहाँ पे हासिल होगी, जो जितनी ही व्यापक मात्रा में झूठ का प्रचार का सहारा ले पाएगा, गुप्तचरी व्यवस्था जितनी जिसकी सुदृढ़ होगी, जो जितने ही भरपूर मात्रा में शत्रु को नीचा दिखा पाएगा बिना किसी हथियार के प्रयोग के, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, तो वो होगी शीत युद्ध की विशेषता। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि शीतकालीन युद्ध की विशेषता क्या होती है, अर्थात वो युद्ध जो बिना अस्त्र शस्त्रों के लड़ा जाता है, केवल वाक्पटुता से, केवल मिथ्या अफवाह, मिथ्या झूठ झूठ और प्रचार, सैन्य गुप्तचरी, सैन्य हासिल करके गुप्त रूप से शत्रु की जानकारी हासिल करके हम कितना उसको विवश कर सकते हैं आत्मसमर्पण के लिए, तो ये होता है शीत युद्ध में, यह शीत युद्ध की विशेषताएँ होती हैं। आशा है आपको ये वीडियो अत्यधिक मात्रा में पसंद आया हुआ होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए भास्कर सर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।